रोज घर पे लेट आते हैं, इनका किसी लड़की से चक्कर तो नहीं चल रहा? आज इनको आजमाती हूँ। आफरीन, आफरीन खाना कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे साथ रह के थक चुकी हूँ। मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मुझे कांटेक्ट मत करना। ये तो फ्री हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल करता हूँ। हेलो जान, जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। मैं तुमसे कल शादी कर रहा हूँ, आता हूँ। मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ कि तुम मेरे आसपास ही हो। शादी के बाद किसी और लड़की से चक्कर चला के मुझे जहन्नुम में थोड़ी जाना है, मुझे जन्नत में तुम्हारे साथ ही रहना है मेरी जान। सुनो, मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। आराम से जाइएगा। अरे मैं तो काफी लेट हो गई, घर का काम भी करना। फिकर ना करो, सारे काम मैंने कर दिए। आप तो आपके दोस्तों के साथ जाने वाले थे ना? अरे वो मैंने हेलो। अरे अफजल तो अभी तक आया नहीं। अरे यार वो मुझे घर का थोड़ा काम करना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अबे तू बीवी का गुलाम ही रहेगा। तुम नहीं समझोगे यार। आज आपने अपने नबी की सुन्नत अदा कर दी। आफरीन मुझे पानी पिला दो, थक गया। जाओ ना पानी लाओ ना, नजरें क्यों फेर ली तुमने? क्योंकि बाहर आपने नजरें नहीं झुकाई थी, अपनी नजरों को उठाकर और सीना तान कर चल रहे थे आप। अरे क्या हो गया तुमको, क्या कह रही हो ये सब? समझा नहीं मैं। अभी जब हम रास्ते से आए तो इतनी लड़कियां दिखी कि ना आपकी आंखों में बिल्कुल हया नहीं थी और आपने नजरें भी नहीं झुकाई। जिस तरह हम पर पर्दा फर्ज है ना, उसी तरह आप पर भी पर्दा जरूरी है। अरे हम मर्द पर्दा करेंगे क्या, बुर्का पहनेंगे क्या? वाह, औरतों के पर्दों की तो सबको फिक्र रहती है, और मर्दों के पर्दे का क्या? औरतों की खूबसूरती पर्दा करने में है, और मर्दों की खूबसूरती ना मेरा औरतों के सामने नजरें झुका लेने में है। हाँ अफजल भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह काफी अच्छा प्रोग्राम है। बहुत पैसा लगाया हमने इसके अंदर। ले लीजिए आप तो ये। अरे नहीं, ये तो जरूरी है। अरे शुक्रिया, आप खाना वाना खाइए ना। आ जा बेटा, पेट भर गया ना बेटा? पापा आपने उन अंकल को क्या दिया था? वो बेटा मैंने उनको लिफाफा दिया था। लिफाफे में क्या होता है पापा? बेटा उसमें पैसे होते हैं। शादी में हम पैसे क्यों देते हैं पापा? जब किसी की शादी में हम दावत खाने जाते हैं ना, तो वो खुशी का मौका होता है, इस वजह से हम पैसे देते हैं। कितने सवाल पूछती है तू, चल पानी भी पीना है। रुको पापा, एक लास्ट सवाल। बोल। पापा उस दिन हम जब रफीक भाई से हॉस्पिटल मिलने गए थे, उनकी बहुत तबीयत खराब थी, तो आपने तो वहाँ लिफाफे में पैसे ही नहीं दिए। बेटा वहाँ कौन लिफाफा देता है? अच्छा पापा मैं समझ गई, मतलब खुशी में ही पैसे दिए जाते हैं, दुख में नहीं। सही कहा ना मैंने पापा? क्या सोच रहे हो बाबा? कुछ नहीं बेटा, जिंदगी में बहुत परेशानियाँ चल रही है। परेशान मत हो बाबा, मेरी तरह हंसते रहो। तू नहीं समझेगा बाबा, करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन शहीद हुए, तब उनके बदन पर 113 सुराग तीरों के थे, 33 जख्म नेजों के थे और 34 घाव तलवारों के थे। इतने जख्म शरीर पे होने के बाद भी इमाम हुसैन सजदे में जाकर मुस्करा रहे थे। बाबा हमारे नबी ने फरमाया, जब आप परेशान हो तो मेरी और मेरे खानदान की परेशानियां याद कर लिया करो, तुम्हें अपनी परेशानियां कम लगेगी। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? जब अम्मी करबला का किस्सा सुन रही थी, तब मैं उनके पेट में था। क्या अब भी आप परेशान हो बाबा? अरे हम रेडी हैं, बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, सुनिए मैं रेडी हूँ, चलते हैं। मेरी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है आफरीन, एक काम करो तुम 10 मिनट वेट करो, मैं शेविंग बनवा के आ जाता हूँ। अरे पागल हो क्या? अरे क्या हो गया तुमको? अरे शेविंग मत करवाओ, ऐसे अच्छे लग रहे हो।
कैसी बीवी हो तुम? औरों की बीवियां कहती है शेविंग कराओ, चिकने रहो, मस्त लगते हो तुम, और तुम कह रही हो शेविंग मत कराओ। मुझे पर्दा करने को बोलते हो और खुद दाढ़ी नहीं रखते हो। मैं तो ये चाहती हूँ तुम अपनी दाढ़ी और बड़ी कर लो। दाढ़ी बढ़ा लूंगा ना तो आदमी लगूंगा, बुड्ढा लगूंगा। कोई मुल्ला कहेगा, कोई दड़ियल कहेगा, मैं नहीं बढ़ा रहा। जानते हो जो दाढ़ी रखता है उसकी दाढ़ी के हर एक बाल पे फरिश्ते झूला झूलते हैं। और सबसे बड़ी बात, कायनात के सबसे हसीन शख्सियत हमारे नबी के चेहरे पे भी दाढ़ी थी।